अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग जो फुल घेर में होती है और एक क्रॉस में होती है, हम फुल घेर वाले अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग देखेंगे आज। तो वीडियो स्किप ना करते हुए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी तरह से फ्रॉक समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रॉक की घड़ी। उसके लिए हम पहले चार पट में कपड़ा डाल देंगे। ये चार पट कपड़े में हमने घड़ी डाल दी है। ये देखिए, एक दो तीन चार, इस तरह से चार फ्लेयर में आपको कपड़े की घड़ी डालनी है। और एक तरफ से ओपन साइड है, एक तरफ से बंद साइड है, वहां पे हमें कम्बर का नाप डालना है। यहाँ पे हम कम्बर का नाप लेंगे तो ये हमारा इस तरह से माप रहेगा। शोल्डर 6.5, हाफ राउंड 6.5, छाती 10.5, कमर 8.5। घड़ी का नाप है 14 प्लस 1 प्लस करके हम 15 की कटिंग करेंगे। पूरा नाप है 48, बाही की लंबाई है 17 प्लस करके 2 लेंगे। बाही की गोलाई है 5.5, 1.5 इंच माया रहेंगे। हम जहाँ से प्रेस पट्टी वहां से हम कपड़े को कट कर लेंगे। पहले जहाँ पे हमने ये मार्किंग की है, 1/2 इंच पे हमने ये मार्किंग की है, हमें यहाँ से ये प्रेस पट्टी का भाग कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पे हम हमारे कमर का नाप लेंगे। हमारे कमर का नाप है 8.5, तो हम 1/2 इंच कम करते हुए 8 इंच लेंगे। ये हमने इस पे डॉट दे दिया 8 पे। इस तरह से हमने जहाँ पे डॉट दिए हैं उस डॉट से जहाँ पे हमने ये जहाँ पे कपड़े की नोक आ रही है वहां से हम इस डॉट को इस तरह से देखेंगे। 5.5 पे हमारा डॉट आ रहा है। इस तरह से टेप को रखेंगे और 5.5 करते हुए हम पूरी उसे गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ये भी 5.5 आ रहा है। इसी तरह से हम इसे पूरा डॉट दे देंगे। ये हमारे कमर की गोलाई हो गई। ये गोलाई की मार्किंग होने के बाद जहां पे हमारी गोलाई की मार्किंग है वहां पे हम हमारे पेटी का नाप तैयार, 14 हमारे पेटी तैयार है, इसलिए हम 14 पे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तैयार पेटी का माप रखना है और वहां 14 हमने ऊपर छोड़ा है और वहां से हम पूरी लंबाई लेंगे। पूरी लंबाई हमारी 48 है, यहाँ पे 48 आ रहा है। और 1 इंच लंबाई, सॉरी, सिलने के लिए इस तरह से हमने डॉट दे दिया। अब जिस तरह से हमने ये ऊपर की गोलाई तैयार की थी उसी तरह से हम नीचे की गोलाई तैयार करेंगे। इस टेप के इस पट्टी जहां पे पट्टी लगी है इसे कपड़े की नोक पे रखेंगे और इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। ये देखिए 40.5 आ रहा है। उसी नाप के मुताबिक हम पूरी गोलाई देंगे 40.5 पे। इस तरह से पूरी गोलाई तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से डायग्राम डालना है आपको भी। अब हम इस मार्किंग को कट कर लेंगे इस तरह से। इस जहां पे हमने डॉट किया है वहां पे भी इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये नीचे के फ्लेयर की कटिंग हो जाएंगी। हमने पहले जो घेर कट किया ये उसके अंदर का अस्तर है। 3 मीटर कपड़ा ही ये फुल घेर का फ्रॉक था। हम इसे शॉर्ट घेर में कट करेंगे। शॉर्ट घेर लेने के लिए हम इस तरह से इसे क्रॉस में कट देंगे। जहां पे हमारी ये कपड़े की नोक आ रही है वहां पे हम इस तरह से कम्बर का नाप लेंगे। कम्बर का नाप हमने पहले जैसा लिया था वैसा ही लेना है। 8.5 हमारे कमर का नाप है। 8 पे हम डॉट देंगे।
ये हमने 8 पे डॉट दे दिया है। इस 9 पे टेप का जो पट्टी आती है वो पट्टी हम इस तरह से 9 पे रखेंगे। देखिए 10 पे आ रहा है, इस तरह से हम घुमाते हुए इसे डॉट दे देंगे। जैसा हमने पहले डॉट दिया था उसी तरह से हमें इसके भी डॉट देने हैं। ये हमारे कमर की गोराई निकल गई, 14 ऊपर छोड़ेंगे। 14 ऊपर छोड़ते हुए जितनी हमारी फ्रॉक की लंबाई थी उसे 2 इंच कम लेंगे। हमारी 48 की लंबाई थी, हम 46 लेंगे, 45 भी लेंगे तो चलेगा, 45 ले लेते हैं। 14 ऊपर छोड़ते हुए फिर इस प्रेस पट्टी को फिर 9 पे रखेंगे और इस डॉट को देख लेंगे कितने हैं। तो 41 पे आ रहा है ये, हम 41 पे पूरा डॉट मार लेंगे। इस तरह से हमने पूरे फ्लेयर को डॉट डॉट कर दिया है। अब इस डॉट के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे और ये जहां पे कपड़ा अभी कम है वहां पे हम ज्वाइन दे देंगे। पहले कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाएंगी। ये जहां पे प्रेस पट्टी आ रही है उस प्रेस पट्टी को हमें कट करके निकाल लेना है। इस तरह से हमने ये प्रेस पट्टी निकाल दी है। अब यहाँ पे कपड़े को ज्वाइन देंगे। इस तरह से इसकी प्रेस पट्टी भी निकाल लेंगे। जहां पे हमारे बचा हुआ कपड़ा है इसे एक नोक वाला भाग निकलेगा। जहां पे नोकीला कपड़ा है उसी कपड़े को हमें इस पे आधा इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से रखना है। और ये देखिए, ये रखने के बाद हमें नीचे का कपड़ा आसानी से दिखाई दे रहा है। जहां पे हमें कपड़ा दिखाई दे रहा है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने कपड़ा कट कर लिया है और ये हमें ज्वाइंट मिल गया है। अब इसे सिलते समय लेंगे। बचे हुए कपड़े में से हम ये हमने पेटी के लिए इस तरह से घड़ी डाल दी है। यहाँ पे हम पेटी की पहले पूरी लंबाई ले लेंगे। हमारी तैयार लंबाई है 14, 15 की कटिंग करेंगे। 1 इंच हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम शोल्डर का नाप डालेंगे। 6.5 पे हमारा शोल्डर है, हाफ राउंड 6.5। ये पूरी लंबाई, जहाँ पे पूरी लंबाई है वहाँ पे हम कमर ले लेंगे। 10.5 छाती का नाप है, 1.5 इंच माया, 8.5 कमर, 1.5 इंच माया। इस तरह से डॉट टू डॉट मिला देंगे। हाफ राउंड 3.5 है, 1.25 पे डॉट करेंगे ऊपर से 1/2 इंच। पाव इंच क्रॉस, ये हमारी पेटी तैयार हो गई। अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये पेटी कट हो जाएंगी। अब अस्तर पे रख के हमें इसे कट करना है। ये हमारा कपड़ा है, इसे बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम पेटी के मुताबिक घड़ी डाली है इस तरह से। अब हम जो हमारी तैयार पेटी है इसे इस पे इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाएंगी। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब बाही का मेजरमेंट डालना है। आस्तीन किस तरह से लेते हैं देखते हैं। इस तरह से हम पहले गोलाई लेते हुए, आपको तो पता ही है गोलाई, राउंड का नाप लेते हैं। ये हमारे हाफ राउंड का नाप 10 आ रहा है, 1/2 इंच कम करते हुए 9.5। हमने बाही के लिए कपड़ा बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले लंबाई ले लेंगे। हमें कफ की बाही तैयार करना है इसलिए हम इसकी आस्तीन की लंबाई 21 लेंगे। 21 पे डॉट करेंगे। यहाँ पे हमारे बाही की गोलाई आएंगी। बाही की गोलाई पे हमें चून लेनी है इसलिए कपड़े की चौड़ाई हाफ राउंड के मुताबिक स्ट्रेट में लेंगे। हमारे हाफ राउंड का नाप है 10, 1/2 इंच की 1/2 इंच कट करते हुए 9.5 पे डॉट करेंगे। ये हमारे 9.5 के कपड़े की चौड़ाई बराबर है। 1.5 इंच अंदर लेंगे, ऊपर से 3 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमारा 1.5 इंच आ रहा है वहाँ से इस तरह से हम
हाफ राउंड का डॉट डालेंगे। ये हाफ राउंड का शेप डाल दिया है हमने, पाँच इंच क्रॉस। यहाँ से स्ट्रेट हमें कट कर लेना है। इसकी हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा पूरा स्ट्रेट है, इसलिए हम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग हो गई है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा अम्ब्रेला फ्रॉक कट हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी फ्रॉक की कटिंग कैसी लगी। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हो, कटिंग के मुताबिक अगर आपको और कोई कपड़े की कटिंग देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।